रुपेश भैया एगो अचार वाला सबको सुना दी। अच्छा माहौल उसी का माहौल यहां पर पर सुना दी सब सुन ली। नहीं माहौल बना रहे चलिए कोई बात नहीं मजा लेते रहिए और बीच बीच में ताली भी बजाते रहिए। देखिए हमारे मीडिया वाले भैया भी परेशान है कि खबर अनुपमा जी वैसा गीत गाएंगे कि हम चैनल पे चढ़ाएंगे पूरा वायरल होगा इसी ताक में ये। चलिए कोई बात नहीं है एक बार हमारे मीडिया के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए है ना। देखिए ऐसे तो कैमरामैन का कैमरा महिलाओं पे चमकता है लेकिन ये पहले मर्द हैं जो मर्द होकर एक मर्द का तस्वीर निकाल रहे हैं है ना। लेकिन क्या कीजिएगा भैया हम शादी शुदा है और मांग भरने की सजा बस आज तक पा रहे हैं और बीबी की मांगे पूरी करते करते क्या करके खा रहे देख ही रहे। चलिए कोई बात नहीं मंच के माध्यम से वीडियो साहब मैं शायरी भी बोल लेता हूँ प्यार भी कर लेता हूँ गुस्सा भी कर लेता हूँ सब कुछ कर लेता हूँ लेकिन घर में कुछ नहीं कर पाता हूँ सच्ची बता रहे हैं। एक दिन पत्नी के सामने वह छोटी सी बात दिलवाले का वो शायरी बोल दिया कि हमें तो अपने न लूटा गैरों में कहां दम था मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी बोली तुम थे ही गधे तुम्हारे भेजे में कहां दम था कि तुम थे ही गधे तुम्हारे भेजे में कहां दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था क्योंकि मैं सूरजमुखी वो चंद्रमुखी वो मुझसे दुखी मैं उससे दुखी। अरे किसी दिन गांधी सेतु से नीचे कूद जाए फिर दोनों सुखी और सर ना ही मैं गुस्सा कर पाता। शिव भैया की तरह लगता है घर में इनका भी हालत ठीक नहीं है। ये हमारे शिव भैया के तरफ से पूरे 501 रुपए का आशीर्वाद। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे वीडियो साहब के तरफ से क्यों नहीं आया उनके तरफ से भी आएगा जरूर आएगा। चलिए कोई बात नहीं और चलिए मैं सच्ची बात बता रहा हूँ और ना ही मैं गुस्सा कर पाता हूँ। एक दिन गुस्से में आत्महत्या करने के लिए घर से बाहर जा रहा था पत्नी गेट भी बोली कहाँ जा रहा हूँ बोले आत्महत्या करने। पत्नी बोली झोला लेके जाओ। रुपेश भैया बोले ससुरी बाय 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 हमारे अजय भैया की तरफ से लेकिन हमारे ओ जयकांत मामा जी की तरफ से मामा जी 500 और दीजिए 1001 ठीक रहेगा। चलिए कोई बात नहीं मैं हमरा बुझाते जयकांत मामा के घर में स्थिति ठीक नहीं के। हाँ ये तो अच्छा सर आपकी शादी बहुत दिन पहले हो गए हमारा तो 9 साल हुआ है और घरवाली इतना प्यार करती है कि जिंदगी तहस नहस हो गया। और वीडियो साहब के मामा जी हैं अच्छा चलिए एक बार तालियां होनी चाहिए मामा जी के लिए। लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ ना ही मैं गुस्सा कर पाता हूँ कि मैं गुस्से से आत्महत्या करने के लिए घर से बाहर जा रहा था। पत्नी गेट भी बोली कहाँ जा रहा बोले मरने जा रहे हैं बोले कि झोला लेकर जो बोले ससुरी झोला का ठंडा हो जाएगा ना तो उधर से 2 किलो टमाटर लेके आना। भाई साहब झगड़ा इतना बढ़ गया कि झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह हुई एक गिलास लिया उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला उसमें थोड़ा सा घी डाला पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पत्नी बोली वाह वाह रात में जो झगड़ा हुआ उसका माफी मांग रहे हो। हम बोले नहीं पगली अरे माफी नहीं मांग रहे आज नाग पंचमी है नाग इनको दूध पिला रहे। और भाई साहब जब शादी शुदा है तो कभी कभी ससुराल भी जाना पड़ता है ना भाई साहब। लेकिन मैं कार्यक्रम में रहता हूँ बराबर नहीं जा पाता हूँ। पिछले दिनों 2 साल के बाद ससुराल गया और जो ही दरवाजे पर पहुंचा ना बुढ़िया साथ चावल बना रही थी शर्मा कर अंदर चली गई। बोले रे ससुराल जिसको शर्माना हूं तो अंदर में ही बुढ़िया का है शर्मा रही है। भाई साहब 2 साल के बाद गया हमारे सेवा में कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए मैंने जमकर खाया और ससुरा रात में पेट गुड़गुड़ाया। भाई साहब सोचे कि इतना रात को इधर उधर कहां जाए देखे ना कोना में एगो अचार का घड़ा रखा हुआ था। भाई साहब कुछ नहीं किया नुंगी उठाया में पूरा फूल। हम सोचे अगर घर में छोड़ेंगे तो सुबह में लोग क्या बोलेगा बस गमछा लिया उसका मुंह बांधा चल दिया कांधा पर लेकर फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा ना सामने से एक सिपाही जी डंडा लेके आ रहे थे। बोले रे ससुरा रे कौन है रे बोले सर हम कोई ना चोर हैं। बोले तुम्हारे माथा पका रे बोले सर आज कुछ हाथ नहीं लगा सिर्फ आचार हाथ लगा। सिपाही जी खुश हो गए बोले रे जल्दी गाड़ी में रखो भागो यहां से। भाई साहब मैं वहां गाड़ी में रखा भागा सिपाही जी खुश हो गए घर गए और अपने पत्नी से भोजपुरी में बोले कि सुना दारू हो अरे सुना दारू हो आचार हाथ लगल व खिचड़ी बनई हो। भाई साहब सुबह हुई खिचड़ी बनी मैडम जी जो ही गमछा खोली बोले सुना दारू अरे ससुरा खाली बदबू दे रहा है
सिपाही जी बोले कोई बात नहीं है, बदबू दे रहा पुराना आचार है, बदबू देवे करेगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी नाक पकड़ के अंदर हाथ डालकर पीस खोजने लगी, पीस खोजने लगी, बोली सुना दारू हो, एक को पिसवा नहीं मिल रहा है। सिपाही जी बोले पीस नहीं मिल रहा है, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला डाल के लाओ। भाई साहब मसाला डालकर जो ही सिपाही जी के आगे पड़ा, सिपाही जी बोले रे ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, आचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब हम अगले दिन पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। सिपाही जी बोले रे ये ससुरा आचार कहाँ बनाया था रे? हम बोले सर यहाँ बनाए थे, यहाँ से सप्लाई कर दी। चलिए जिनको चल गए पर हाथ उठा के बताइए, जिनको जिनको आचार चाहिए।